अब तक आपने देखा अविनाश चौधरी और संदीप शादी के मंडप में सबके सामने कादंबरी और धर्मराज महियावंशी को जलील करते हैं। मिस्टर महियावंशी, आपकी बेटी मुझसे इतना प्यार करती थी कि उसने आपके नाम की तो क्या, आपके खानदान की भी परवाह नहीं की। जिस मालिक के न्याय के सामने सब लोग सर झुकाते थे ने, उसका सर सबके सामने झुकेगा आज से। किरे कारण चुकरी। देखिए, निर्णय तेरा नहीं है, तो मेघना तेरा भी नहीं, मेरा भी नहीं। मैं जाके शशांक से बात करता हूं। मुझे माफ कीजिए, मैं कादंबरी से शादी नहीं कर सकता। इसलिए नहीं क्योंकि उसकी कोई गलती है, इसलिए क्योंकि किसी और की सजा मैं कादंबरी को नहीं दे सकता। नाना जी, कद्दू दी की शादी टूट गई ना। देखो बेटा, ये सब बड़ों की बात है। संदीप भाई से लव करती थी, इसलिए उनके साथ भाग गई थी, है ना? देखो बेटा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है, पर तुम्हारे पास समझने के लिए वो उम्र नहीं है। बस इतना समझ लो कि कद्दू की शादी टूटी नहीं है, रुक गई है, और सब लोग इसी बात की कोशिश कर रहे हैं कि कद्दू और डुगू की शादी हो जाए। तुम्हारे पापा गए हैं ना डुगू को समझाने के लिए। कद्दू दी की शादी पक्का हो जाएगी, है ना? पक्का हो जाएगी, मैं आता हूं अभी। संतु, तूने गलती की। कादंबरी बेन और संदीप भाई के बारे में अगर मालिक को पहले पता होता तो शायद बात यहां तक नहीं पहुंचती। बेना, मैं कुछ बता पाती, उससे पहले बहुत देर हो चुकी थी। मालिक की रिश्ता तय कर चुके थे, मैंने सोचा उनको बताकर परेशान ना करूं, मैं खुद कादंबरी को रोक लूंगी। ए महारानी, तो चुप रह। अगर तुझे पहले से ही पता था तो क्यों नहीं बताया? महान बनने का बड़ा शौक है ना तुझे? अगर ये बात तू पहले ही बता देती तो इस परिवार की इज्जत सबके सामने उछलने से बच जाती। लेकिन तू क्यों ऐसा करेगी? तू तो हमेशा कैसे इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए इस कोशिश में लगी रहती है, कैसे ये घर तहस नहस होके बिखर जाए, टूट जाए, इसमें लगी रहती है। ये जो काम किया है ना तूने, इसका दंड तुझे मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि तू कभी नहीं भूल पाएगी। और ये मैं नहीं दूंगी दंड, अब ये दंड तुझे नानका देगा। इतना बड़ा सच छिपाने का साहस कैसे किया तूने? मोटी बहन बराबर बोल रही है, तेरा ये अपराध
क्षमा के योग्य नहीं। इस कुल के मान पर कालिक लगी है तो तेरे कारण। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। मोटी बहन सही कहती थी, जहां से तू आई है ना, वैसी ही है तेरी सोच। पर मैंने सोचा कि तू छोटी घर की है, पर तेरी सोच ऊंची होगी। खोटा सोचा मैंने। तेरे कारण मेरी दिकरी कादंबरी का जीवन नष्ट हुआ है। जा यहां से, अने आज के बाद कभी अपना मुंह नहीं दिखाना, समझी गई ने? चलो वे जा यहां से। जाओ धर्मराज। जो बात आप तेरे मुझे निकली है वो बहुत समय से मेरे मन में थी, लेकिन मैं आज कहती हूं कुछ गलत नहीं किया संतु ने। वाह अशु, कैसे तू? हाँ मैं ठीक कह रही हूँ। इसने वही किया जो एक माँ अपनी बेटी के लिए करती है। इसने वो कदम उठाया जो सुभद्रा उठाती अगर वो यहां होती। जरा सोच धर्मराज, अगर सुभद्रा को पता चलता कि कादंबरी अपनी शादी छोड़कर दूसरे के साथ भागने वाली है तो किसी को बताती? कभी नहीं। वो कुछ भी करती लेकिन अपनी बेटी की नजर किसी के सामने झुके वो कभी बर्दाश्त नहीं करती। माँ अपने बच्चे की गलती का डोल दुनिया के सामने नहीं पीती, वो उसको छुपाकर सुधारने की कोशिश करती है। और संतु ने यही किया और तू इसका धन्यवाद करने के बदले उसको घर से बाहर निकाल रहा है। तुझे ये नहीं दिखता कि संतु के कारण कादंबरी एक गलत इंसान से शादी करने से बच गई? कि संतु के कारण कादंबरी को अपनी गलती का एहसास हुआ है? मंदिर में शादी करने वाली थी तेरी बेटी संदीप से, ये संतु ने रोका। उसे क्या पता था कि अविनाश चौधरी मंडप में हमारी पागड़ी उछालने आ जाएगा? और मैं भगवान को शिकायत करती थी कि सुभद्रा को छीनकर उसने बहुत बड़ा अन्याय किया है। बुरा लगता था जब वो सुभद्रा की जगह लेने की कोशिश करती थी, लेकिन आज महसूस हुआ कि जब भगवान एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता है। जब सुभद्रा की जरूरत पड़ी तो उसने संतु को भेज दिया वो करने के लिए जो एक माँ अपनी बेटी के लिए करती है, सुभद्रा अपनी कादंबरी के लिए करती है। तुझे ऐसा लगता है कि इसने अपराध किया है तो दे सजा उसे, निकाल इसे घर के बाहर। पर तू अपने मन से पूछ कि इसकी जगह पर सुभद्रा होती तो यह सजा तू उसको देता? मेरा मानना है कि संतु ने जो कादंबरी के लिए किया वो ये परिवार में कोई नहीं कर सकता था। मैं सुभद्रा की माँ वसुधा स्वीकार करती हूँ कि संतु ने सही मायने में सुभद्रा की जगह ली है, कादंबरी की माँ की जगह ली है। मेरे लिए स्वीकार करना बहुत कठिन है, पर मैं जो ये स्वीकार नहीं करती तो मेरी बेटी की आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करती। भले संतु उम्र में कादंबरी से छोटी है लेकिन उसने अपने ओहदे और रिश्ते का मान रखा है, और मुझे विश्वास है कि इसके लिए तू उसको सजा भी देना चाहे तो वो हंसते हंसते ले लेगी। हाँ बात समझी क्यों, पर ये भी सच है ना कि कादंबरी का लगन टूट गया,
एक हाथ कादंबरी को बचाया तो दूसरी हाथ उसका वरगोड़ा वापस गया कि नहीं? जब अभी तक बुरा होने से बचा है तो आगे भी बुरा नहीं होगा। हम सब डुब्बू को समझाएंगे और सबसे पहले बात करेगी सत्य। कादंबरी की मां होने के नाते उसका पहला अधिकार है और कर्तव्य भी। कर्तव्य निभाया है, भगवान तुझे दूसरा कर्तव्य निभाने की शक्ति दे। राजा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती जो बेटा, जो बेटा, धर्मराज महियावंशी ने आज तक किसी के सामने विनती नहीं की और तुझसे करूंगा। हाँ मैं मानता हूं कि कादंबरी की भूल थी। भूल? कादंबरी ने कोई भूल नहीं की। सच कहूं तो मुझे खुशी है इस बात की कि उसमें वो सोच और उसे पूरा करने का साहस है। ये उसके साथ अन्याय है जब उसे किसी एक ऐसे आदमी के साथ रिश्ते में बांध दिया जाएगा जिससे उसने कभी प्यार ही नहीं किया। इसलिए मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। उसे ऐसे रिश्ते में नहीं बांधूंगा जिससे उसे कभी खुशी ना मिले। मिस्टर महियावंशी, आपकी बेटी मुझसे इतना प्यार करती थी कि उसने आपके नाम की तो क्या, आपके खानदान की भी परवाह नहीं की। मुझे लगा वो मुझसे प्यार करता है। मैं अपने डैड को, अपने भाई को, इस घर को छोड़ने के लिए तैयार थी। इतनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। डैड को मुझ में माँ की छवि दिखती है और मैंने वो छवि बिगाड़ दी। बस अपने बारे में सोचा। आज मैंने जो किया उसके बावजूद मेरी खुशी के लिए मेरा घर बस जाए इसलिए डैड ने जाकर डुगू से विनती की। उन्होंने
जिन्होंने आज तक किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया, अपनी नजरें झुकाकर टुकू की बातें सुन रहे थे, और वो टुकू जिसे शादी के मंडप में मालूम पड़ा कि मैं किसी के साथ भागने, वो सिर्फ मेरी खुशी के बारे में सोच रहा है। उसे लगता है मेरी कोई गलती है ही नहीं। स्वार्थी निकली तो सिर्फ मैं। रो मत कतु, जो हुआ सो हुआ, जो भूल तुझसे हुई वो किसी से भी हो सकती थी। और रही बात संदीप की, तो जो अपराध उसने सोच समझ कर किया उसका दंड उसे जरूर मिलेगा। अरे रड़े किन चित, मैं हूं ना, तेरा भाई है ना, भले मैं अपना दंड इस घर से दूर काट रहा हूं पर कोई दंड मुझे अपनी बहन से अलग नहीं कर सकता। समझी गई ने तू? ये तेरा भाई है ना, सब कुछ संभाल लेगा, तू चिंता नहीं कर। और सबसे पहले बात करेगी संतु, कादंबरी की मां होने के नाते उसका पहला अधिकार है और कर्तव्य भी। जम्मई राजा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जम्मई राजा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो लड़की, जिससे अपने प्यार का इजहार ये जानकर नहीं कर पाए कि उसकी शादी किसी और से हो गई थी, और आज आज वो लड़की मेरे सामने है। संतु अकेले, संतु माया वंशी बनकर मेरे सामने खड़ी।